अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी वीडियो जिसका नाम है हरे लहसुन का अचार। हमने हरा लहसुन लिया था, यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है, वॉश करके ड्राई करके हमने इसको कट कर लिया है। यहाँ पर हमने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, हमने ली हैं 20 से 25 हरी मिर्चों को हमने कट कर लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने लिया है अदरक जिसको हमने कट कर लिया है। जी फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं ड्राई स्पाइसेस की तरफ। ड्राई स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा लाल मिर्च पिसी हुई, कुटी हुई लाल मिर्च 1-1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक टू टेस्ट, और ये हमने खटाई पाउडर लिया है, ये हमने लिया है 1 चम्मच। ये आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मसाला लिया है, ये मैं आपको बता देती हूँ इसमें हमने क्या क्या शामिल किया है। सौंफ हमने लिया है 1 चम्मच, मस्टर्ड सीड यानी मेथी दाना हमने लिया है 1/2 चम्मच, यहाँ पे है कलौंजी ये हमने लिया है 1/2 चम्मच, अजवाइन 1/2 चम्मच, राई हमने ली है 1 चम्मच, खटाई पाउडर जैसे मैंने आपको बता दिया है हमने 1 से 1.5 चम्मच लिया है। तो आप जो है इसकी जगह अगर आपके पास नहीं हो ये तो हम इसकी जगह लेमन या सिरका यूज़ कर सकते हैं, आमचूर पाउडर। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट हम हरे लहसुन का अचार बना सकते हैं। आजकल है सर्दियों का मौसम और हरा लहसुन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, मार्केट में अवेलेबल है। तो जी इसकी मैंने आपकी हरे लहसुन की चटनी की रेसिपी भी शेयर करी है और अचार भी अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड फॉलो करें। सबसे पहले जो हमने साबुत मसाले लिए थे इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, इससे बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ जाती है। और फिर हम इसको पीस लेंगे हैं, बिल्कुल हम इसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, ये रोस्ट हो रहा है आप देख सकते हैं, और जी फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं रोस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें से। हम इसको 5 से 10 मिनट रोस्ट करके और निकाल लेंगे और फिर हम इसको पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे ग्राइंडर में, और फिर हम साथ साथ आपको आगे की रेसिपी फॉलो अप करते हैं। आपने देखा हमने इसको रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लिया है। चलें जी अब चलते हैं रेसिपी की तरफ, और सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। हमारे पास सरसों का तेल अभी अवेलेबल नहीं है तो हम नॉर्मल कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं आप इसको। हमने ये ऑयल डाला और सबसे पहले हमने जो मसाला पीसा है वो डलेगा, वो हमने आधा डालना है और आधा रोक लेना है। और उसके बाद जो हमने ड्राई स्पाइसेस लिए थे वो हम डालेंगे। और साथ ही हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे अच्छी तरह। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, और इसके साथ हम डालेंगे हरी मिर्चें और अदरक। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त अचार की, आप देख सकते हैं। और हम इसको कुक करेंगे जल्दी से। इस टाइम पे हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि हरी मिर्चों की जो धांस होती है वो बहुत तेज़ होती है, तो हम इसको बंद कर देंगे उस वक्त। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, जब ये थोड़ा सा कुक हो जाए तो फिर हम इसका दोबारा से फ्लेम ऑन करेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, और साथ में हम इसके हरा लहसुन डाल देंगे। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त अचार बन रहा है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है घर में। और आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं, पराठे से, राइस से, सब्ज़ी से,
दाल के साथ, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। ये देखिए बहुत ही झटपट रेडी हो जाता है, जल्दी बनने वाली चीज़। क्विक कुकिंग विद इरम में इरमा हारिस ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बस हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी, और जो बचा हुआ थोड़ा सा हमारा पाउडर था वो भी हम शामिल कर देंगे। नमक आपने देख लेना है अपने टेस्ट के लिहाज से, इसको ज़्यादा या कम कर लीजिएगा। और थोड़ा सा मैंने ऑयल और शामिल किया है और इसको अच्छी तरह मैं कुक कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। बस इसकी भुनाई अच्छी होनी चाहिए और फिर इसको हम ठंडा करके जार में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर शेयर करनी है और बनानी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को कैसी लगी। देखिए गाइस, बस ये कुक हो गया, अब हम इसको ठंडा होने के लिए निकालेंगे पहले चीज़ में, फिर हम इसको जो है जार में निकाल लेंगे। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी मैं इसको एक बोल में निकाल रही हूँ, ये ठंडा हो जाएगा जब तक, तो फिर मैं इसको जार में फिलअप करके रख लूँगी। यह है इसका फाइनल लुक। इसका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों ने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि कैसी लगी, और चैनल को फॉलोअप करते रहिए। ये इसका फाइनल लुक है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।